उदयनगर में किसी भी किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खेतों में जाए, और ये साला कुत्ता जा रहा है, लाओ उसे उठा के। कौन हो तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कौन हो तुम? छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जाने दो। कौन हो तुम लोग? कौन हो? तेरी इतनी हिम्मत, कोई भी किसान खेतों में नहीं जा रहा है और तू खेती करेगा? खेती करेगा तू? बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी इन जमीनों से, है? मारो साले को। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों? साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू जय कांत के सामने बोलने की जरूरत कर रहा है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं शंभुनाथ का आदमी हूं, शंभुनाथ का। भले तू किसी का भी आदमी हो, हम अपनी मातृभूमि के लाल हैं, तुम लोगों से कभी नहीं डरेंगे। साला कुत्ता। खम्मा गणी हुकुम। गणी खम्मा, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। पापा हुकुम, हमें भानु प्रताप ने बताया कि हम लोग उदयनगर जाने वाले हैं। हाँ बेटा, भानु प्रताप को मैंने ही बताया। बेटा मेरी इच्छा है कि मैं अब बाकी की जिंदगी उदयनगर में ही बिताऊं। आज 30 बरस हो चुके हैं हमारे पिता चंद्रभान सिंह जी को उदयनगर छोड़े हुए। पता नहीं उदयनगर की प्रजा का ख्याल रखा होगा भी या नहीं। पिताजी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, बेटा सूर्यवीर, मेरे 3 पुत्र हैं। बड़े वाले को तो देश की सेवा करने के लिए सेना में भेज देना है। सूर्य प्रताप और भानु प्रताप को लेकर तुम्हें उदयनगर जाना है और वहाँ पर क्षत्रिय धर्म निभाते हुए प्रजा की देखभाल करना। इस कारण बेटा हमने आपके बड़े भाई आदित्य प्रताप सिंह को सेना में भेजा था और आपके बड़े भाई सेना में हंसते हंसते शहीद हो गए। अब समय आ गया है बेटा कि हम उदयनगर चले और अपना कर्तव्य निभाएं। और मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी बाकी की बची कुची जिंदगी उदयनगर में ही बिताऊं। जी पापा हुकुम, हमें उदयनगर चलना चाहिए, नहीं वहां की जनता क्या सोचेगी कि राजपूत अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हमें चलना चाहिए। हमें आप पर गर्व है कुंवर सूर्य प्रताप सिंह। और हमारी बहू दिव्या कहाँ है? उन्हें पता भी है कि नहीं हम कल उदयनगर जा रहे हैं? जी पापा हुकुम, पता है। पापा हुकुम, आपने समाचार तो भिजवा दिया होगा ना? मैंने उदयनगर समाचार भिजवा दिया है कि कल हम आने वाले हैं। कौन है हमारा वहाँ? किसका समाचार भिजवाया आपने? बद्रीनाथ। अरे क्या हुआ बद्रीनाथ? मदद करो मेरी, तुम मुल्ला मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ बद्रीनाथ जी? पागल हो जाऊंगा मैं यार, मर जाऊंगा मैं ऐसे। अरे क्या हुआ बद्रीनाथ? अरे समूरनाथ, कल रात से एक नींद की झपकी नहीं ली है, वो हाल है। अरे भाई कौन आ रहा है, कब आ रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ए जयकांत जी, इसे पानी पिलाओ, सोडा पिलाओ, कुछ भी पिलाओ। जी भाई साहब, जी भाई साहब। शायद उसकी रात भर की उतरी नहीं है। समूरनाथ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। फार्म हाउस से संदेश आया मेरे लिए, जयपुर से ठाकुर सूर्यवीर सिंह जी आ रहे, उनके पुत्र भी आ रहे, सूर्य प्रताप सिंह जी। जैसे ही माफिया समूरनाथ सूर्य प्रताप सिंह का नाम सुनता है तो डर के मारे घबरा सा जाता है, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह युवावस्था से ही अपनी प्रजा के प्रति वफादारी रखते हैं।
लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से शंभुनाथ और बद्रीनाथ ठाकुर साहब को बदनाम कर करके किसानों से जमीन हड़प रहे थे। अब शंभुनाथ व बद्रीनाथ का सारा झूठ सबके सामने आने वाला था। बद्रीनाथ के पूर्वजों से लेकर अब तक हवेली की देखरेख का जिम्मा बद्रीनाथ के परिवार का ही था, जिसका बद्रीनाथ ने गलत फायदा उठाया। सदियों से मेरा परिवार पूर्वज ठाकुर साहब की सेवा करते हैं, उनके लिए बलिदान दिया है और मैंने उनका नाम डुबो दिया है। हम सबने मिलकर उनके साथ गद्दारी की है। अब ठाकुर साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिव्या जी, हुकुम, लगता है आपका ध्यान भटक गया है। नहीं हुकुम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही। अच्छा, हम आपको कुछ बताने वाले हैं। बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? पापा हुकुम चाहते हैं कि हम बाकी की जिंदगी उदयनगर में ही बिताएं। पिताश्री का आदेश है तो हमें उदयनगर जरूर जाना चाहिए जी। और वैसे भी आपकी भी तो इच्छा थी कई समय से कि उदयनगर जाकर वहाँ का हाल जाने। अब आप कल की तैयारी कीजिए और हमें भी कुछ काम है तो वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है हुकुम। सुन, तेरे को मैंने जो डिलीवरी करने को कहा था वो कर ले। और याद रखो शंभुनाथ जी, अरे आइए आइए बद्रीनाथ जी। और जी और बताइए। अरे बद्रीनाथ जी जी, क्या खेल खिलाए तुमने सूर्यवीर सिंह के साथ, वाह। बहुत तैयारियां की है तुमने उनके स्वागत की। अरे मान गए बद्रीनाथ, मान गए। शंभुनाथ जी, जो कुछ मैंने सीखा है आपसे सीखा है। और जब शंभुनाथ जी जैसे मित्र साथ हो, खेल खेलने का मजा कुछ और ही आता है। अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात कहूं जी, तुम्हारे और हाथी में कोई अंतर नहीं है। क्या बात करता हूँ, दिखते हैं क्या? बद्रीनाथ जी, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के लिए कुछ और होते हैं। और तुम जो कर रहे हो बिल्कुल वही कर रहे हो। ठाकुर साहब, वो एक किसान का लौंडा था, बहुत फुदक रहा था, टपका दिया साले को। क्या बात है। साले को मैंने बहुत समझाया कि हमसे पंगा न ले, फिर भी साला नहीं माना और मुझे बोले ठाकुर साहब कान दो, मैं सारा पर्दा पास कर दूंगा, मैं सारा पर्दा पास कर दूंगा। टपका दिया साले को। यह बहुत बढ़िया आपने। अरे जयकांत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जी भैया। अब हम उदयनगर में ऐसा खेल खेलेंगे के जीत हमारी होगी। मेहनत किसान करेगा और बदनाम वो ठाकुर होगा। और तो और भाई साहब, किसानों को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उनके ही जूते उनके सर पड़े हैं। अरे जयकांत, अरे 15 सालों से उन्हें उल्लू बना बना कर हमने मजे तो किए हैं। अब इस बार जनता के दिल में ठाकुर के प्रति इतनी नफरत पैदा की है, जो हम बोलेंगे जनता वही करेगी। कल ठीक 10 बजे आप पूरी तय के साथ आइए। अरे आएंगे बद्रीनाथ, जरूर आएंगे। और आपके तो हम पर बहुत एहसान है। अरे इनकी वजह से तो हम मंजिल तक पहुंच पाए हैं और आपकी मदद के लिए हम जरूर आएंगे। जी ठीक है बद्रीनाथ जी। कमा घड़ी हो कहूं घड़ी कमा घड़ी कमा गणी कम्मा गणी कम्मा।
तो आखिर खेल खेल ही लिया शंभुनाथ ने ठाकुर साहब के साथ। कल का स्वागत देख के ठाकुर साहब के पूरे परिवार को ये लग रहा होगा कि उदयनगर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर वो ये बात नहीं जानते कि सीपो सरदार उन्हीं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, पीठ पीछे चूरे भोंक रहे हैं। वारे बद्रीनाथ, मान गया तू तो ये खेल जीत ही गया। बिगो बना, बाहर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो चलते हैं, मिल लेते हैं। सभी को जय माता दी। जय माता दी। जय राजपूताना। जय राजपूताना। बना लोगो, आज मैं आप सभी को एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही विडंबना जनक है। बनाओ, भगवान हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज की कमी रखता है। किसी को धन देता है तो उसे अच्छी सोच नहीं देता, विचार नहीं देता, जोश नहीं देता। और अगर ये सारी चीजें किसी के अंदर होती है तो भगवान उसे धन नहीं देता। और अगर धन नहीं होगा तो इन खूबियों को कैसे पूरा किया जाए। आज ये घटनाक्रम मेरे साथ हो रहा है। आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। आप और हम सभी मिलकर संघर्ष करेंगे, एक नए जोश के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हम हमारा मिशन पूरा करेंगे। देखो बना, इन सब चीजों के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन हमारे पास कहाँ है? अगर हमारे पास धन होता तो हम यहाँ क्या करते आपके पास? इसी सोच के लिए हम पीछे चले जा रहे हैं। अपनी सोच बदलो वरना हम ठोक ठोक के बदल देंगे। राजपूत का पहला कर्तव्य होता है कि वो दूसरों की सहायता करे, अपने हक के लिए लड़े। सॉरी दिगू बना। कोई नहीं, हम लोगों को एकता बनानी होगी। जब हम लोग एक होंगे तो ही हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे और समाज सफल हो पाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शंभुनाथ, आज तो बाल बाल बचाओ। क्या बात है बद्रीनाथ जी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहीं सुबह सुबह पी तो नहीं ली? अरे तू धीरे बोल, मरवाया क्या मुझे? मैं बोल रहा था मैं आज बाल बाल बचा हूँ। वो तिगु बना, बद्रीनाथ जी तुम्हें उस बाज की तरह होना चाहिए। बाज तब तक अपने शिकार पर नजर रखता है जब तक शिकार का वो शिकार नहीं कर देता, और तुम्हें भी वही करना है। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, दिगुबना को कैसे दूर रखना होगा? बद्रीनाथ जी। हेलो हेलो, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं हुकुम, मैं तो बस पौधों की को देख रहा था, कितना सूख गया है। जी, ये पौधा क्या आपको सूखा दिखाई दे रहा है? ये तो बिल्कुल हरी भरी है। तो हरी भरी पता नहीं, मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। डॉक्टर ने कहा था मुझे ऑपरेशन के लिए, पर डर लगता होगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? बुढ़ापा, मेरा कहने मतलब हुकुम, आप तो जानते ही है इस उम्र में अब दिखना बोलना कुछ सोचना। जी हुकुम, कुछ फरमाया आप लोगों को? नहीं बद्रीनाथ जी, कुछ नहीं फरमाया हमने। जाइए हुकुम। बद्रीनाथ जी, आंखों के साथ साथ कानों का ऑपरेशन भी करा लीजिए। जी हुकुम। जाइए। बद्रीनाथ जी, आपके पिताजी के हथियारों का अभी तक पता नहीं चला? हुकुम, इस बारे में सोचता तो बहुत ही दुख होता है। पता नहीं किसने किया,
बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं सभी के साथ में। उदयनगर में किसी की हत्या हो गई, मतलब आपके पिताजी की, और आपने हमें सूचित तक नहीं किया। उसके बारे में मैं आपसे माफी चाहता हूं। पत्र ना सही, कम से कम एक बार फोन तो करते। आपके पिताजी के बहुत एहसान थे हमारे ऊपर। तुमको फुर्सत होती तो कॉल करते ना, जब भी देखो फोन पे लगे रहते हो, पता नहीं किससे गुपचुप करते हो, कोई दो नंबर का धंधा करते हो क्या बद्रीनाथ जी? भानु प्रताप, इस तरह से बात नहीं करते। भानु प्रताप सिंह, क्यों बद्रीनाथ जी को तंग कर रहे हो? आओ बेटा। और सूर्य प्रताप सिंह, उदयनगर में मन लग रहा है? बिल्कुल पापा हुकुम, उदयनगर हमारी मातृभूमि है, और मातृभूमि में किसका मन नहीं लगेगा। आपने कैसे याद फरमाया? हाँ, हमने आपको इसलिए याद किया सूर्य प्रताप सिंह, श्यामनगर में अपना एक फार्म हाउस, और मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ वहाँ जाया करता था। पिछले 32 वर्षों से वो फार्म हाउस मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा। मेरी ये इच्छा है कि हम फार्म हाउस जाके एक बार फार्म हाउस को देख के आए। मतलब आप वहाँ जाके क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? मेरे कहने का मतलब आप थोड़ा रुकिए और थोड़ा आराम कीजिए। जहाँ पा हुकुम वहाँ जाने की चाहता रहे तो आप बीच में सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? नहीं, हुकुम, मैं कह रहा मतलब आप वहाँ पे क्यों हुकुम? हाँ बद्रीनाथ जी, भानु प्रताप सही कह रहे हैं। मेरे कह रहा मतलब आप थोड़ा, अगर पापा हुकुम वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए। और पापा हुकुम, हमें आपसे एक आज्ञा चाहिए, हम उदयनगर जाना चाहते हैं। कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो वहाँ के वातावरण को जान जाएंगे, यहाँ की जनता के बीच में दुख दर्द है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। सूर्य प्रताप सिंह, हमें आप पर गर्व है, आज से प्रजा के किसी भी कार्य के लिए आपको हमसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। तो बद्रीनाथ जी, फार्म हाउस चले? मेरे कहने का मतलब आप थोड़ा आराम कीजिए ना, घर पे कल चलते हैं ना। हुकुम, अब चलना ही है तो कल और परसों क्या? भानु प्रताप, कल फार्म हाउस चलने की तैयारी करो, हम सब फार्म हाउस चलेंगे। जी पापा। हुकुम, जो हुकुम आपका। हुकुम, सब ठीक है? जी हुकुम। अच्छा, माताजी के मंदिर का रास्ता किधर से? आगे जाके लेफ्ट। अच्छा, धन्यवाद। जी हुकुम। अरे शंभुनाथ, अरे भाई शंभुनाथ, ये बंद चार दीवारी के अंदर चक्कर काटने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ठाकुर साहब ने एक चक्कर फार्मास का लगा दिया ना तो सारे गांव वाले मिलके हमारे डेड बॉडी के पूरे गांव के चक्कर लगा के ध्यान रखना। मैं भी बोले जा रहा हूँ, कुछ जाओ नहीं दे रहा हूँ, कुछ बात में गौर भर नहीं है, मैं कुत्ते की तरह भौंक जा रहा हूं। मैं अरे भौंकता है तो बाहर जाकर भौंक। एक तो ठाकुर साहब ने उदयनगर आकर मेरी नींद खराब कर रखी है। नींद तो सबकी नींद खराब कर रखी है। मध्य काल में मुगलों की, और मुगलों के बाद अंग्रेजों की, और मैं आप करना अंग्रेजों के बाद बद्रीनाथ। तेरी ये हिम्मत जो मन में आए बके जा रहे हो? मैं कार पकड़े माफी चाहता हूँ शंभुनाथ, बुरा मत मानना, लेकिन क्या करूँ, अगर फावा तो टकरा पहुंच गए तो मेरे तो तोते उड़ जाएंगे। तुझे तेरे तोतो की पड़ी है? अगर ठाकुर साहब एक भी दिन मेरे फार्म हाउस पर रुक गए तो मेरे लाखों का माल रुक जाएगा, समझा? मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो शंभुनाथ, मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो मुझे, शंभुनाथ छोड़ के मत जाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना ये पागल मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। शंभुनाथ रुको, अरे शंभुनाथ रुको, अरे रुको ना शंभुनाथ, अरे मैं मर जाऊंगा, मैं फोड़ दूंगा अपना। यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपको। टूटता तारा। क्या मांगा आपने दिव्या जी? मैंने मांगा कि मेरे पति देव को लंबी उम्र देना और उन पर कभी किसी प्रकार की परेशानी आने मत देना। आपने क्या मांगा हुकुम? हमने तो उदयनगर की जनता की खुशी मांगी। हम चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। हम तो मातेश्वरी से यही प्रार्थना करते हैं। कितना लगाव है ना आपको उदयनगर की जनता से? जी हाँ। सुना है कल ठाकुर साहब फार्म हाउस पधार रहे हैं। जी हाँ दिव्या जी, उनकी इच्छा है। जी भाई साहब, आपने बुलाया मुझे? आओ जयकांत जी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि असामगढ़ की माल सप्लाई बंद रहेगी। क्या माल की सप्लाई बंद रहेगी? आप क्या कह रहे हैं पता आपको? सप्लाई बंद रहेगी भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, एक दिन माल सप्लाई बंद करने पर हमें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। मैं सब जानता हूं कि हमें कितना भारी नुकसान हो सकता है भाई साहब। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में माल की सप्लाई बंद करना कहां तक उचित है? और आपको चुनाव लड़ना है और आप तो ये जानते ही है कि चुनाव को जीतने के लिए हमें एक एक वोट को खरीदना होगा और जिसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। हाँ मैं सब जानता हूं, पर सूर्यवीर सिंह आज सामगढ़ जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी प्रकार का शक हो कि वहां कोई अवैध धंधा चल रहा है। जी, और वैसे भी चुनाव तो हम ही जीतने वाले हैं। जनता के दिल में ठाकुर साहब के प्रति नफरत का भाव हमने जो 15 साल पहले फैलाया है, और हाँ जनता तो हमारी दीवानी है, दीवानी जी। और हाँ जयकांत, लाखों के नुकसान के सामने अगर हमें करोड़ों का फायदा हो रहा है तो लाखों हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल समझे? जी भाई साहब, जैसा आपको उचित लगे। जी सूर्यवीर सिंह। अरे काम करना है यहाँ पे? कर तो रहा हूँ ना। क्या करता क्या है, दिखता नहीं क्या? काम करना है यहाँ पे। अरे अरे मेरा मतलब, अरे मेरा मतलब ये क्या है इसमें? तुम कुछ नहीं है, वो गेट से दवाई है हुकुम, इसमें रखा है। कौन है ये, कहाँ से आए, इन सब का क्या काम है? ये सब नौकर है, मेरा मतलब है नौकर है, लेकिन घर वाले की तरह रहते हैं। लेकिन ये माल सप्लाई करने वाले हैं। सप्लाई मतलब? सप्लाई मतलब किस तरह का माल सप्लाई करता है यार मैं? ये लीजिए ठाकुर साहब, ये वही बंदूक है जिससे आप पहले शिकार किया करते थे। हमने आज भी इसे ऐसे ही संभाल कर रखा है। क्या हुआ पिताजी? ये हमारी पुरानी बंदूक है और इन्होंने इससे फायर किया है। ये कौन है? हुकुम, ये यहाँ के ठेकेदार है, मजदूर जो यहाँ पे काम करते ना उन सबको ये दिखता है। क्या नाम है आपका? जयकांत सरकार। बद्रीनाथ जी, आपका काम और इस फार्म हाउस की सारी व्यवस्था देखकर हम बहुत खुश हुए। चले भानु प्रताप, चलते हैं बद्रीनाथ जी। और मैडम कहीं चलने का मूड है क्या? बस यहीं पर हूँ। मैडम चलते हो क्या? ठीक है, अरे रो नहीं, आप जाओ। आज के बाद इतना लेट कभी नहीं आऊंगी, हमेशा आप टाइम का ध्यान रखूंगी। हे भगवान जी, प्लीज प्लीज आज मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दो प्लीज। हाँ राजपूत, हाँ
मेरी फ्रेंड पूजा का बर्थडे था तो मैं लेट हो गई। अब यहाँ से कोई गाड़ी ऑटो भी नहीं है, आप मुझे अगले चौराहे तक छोड़ देंगे, मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। आइए बैठिए। थैंक यू। कब से खड़ी हैं आप? समथिंग एक घंटा होने को है। एक घंटे में आपको कोई साधन नहीं मिला? नहीं, वो गाड़ियाँ तो आई पर मैंने... हमें रोकने की कोई खास वजह? हाँ, वो आपकी गाड़ी देखकर मुझे लगा कि आप ठाकुर सूर्यवीर सिंह जी के बेटे हैं, और ये बात मैं ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है, ठाकुर ना तो किसी के साथ गलत करते हैं और ना गलत होने देते हैं। आपकी ये बात सुनकर हम गौरवान्वित हुए। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम पायल है। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और राजनीतिक में जाने का सोच रही हूँ। अरे हाँ, वो शंभुनाथ जी है ना, उन्होंने अपनी न्यू पार्टी की घोषणा की है और वो अपनी पार्टी से मुझे उम्मीदवार के तौर पर उतार रहे हैं। अरे वाह, बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाएं, आप जरूर सक्सेस होंगे। हाँ हाँ, बस यहीं पर रोक दीजिए, बस यहीं पास वाली गली में मेरा घर है, मैं चली जाऊँगी। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी, थैंक यू। पायल जी, हमेशा वक्त का ध्यान रखिए, आपके लिए इस वक्त बाहर निकलना सेफ नहीं है। जी हुकुम, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप नहीं होते तो मैं सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच पाती। और हाँ पायल जी, एक राजपूत होने के नाते हमारा कर्तव्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, अब इनको देखिए, इनके पति थोड़ी सी लेट के आए, इनसे हमारा इंतजार भी ना हो पाया। कोई बात नहीं, आप हमारा इंतजार करोगे भी क्यों, क्योंकि आप भी अब हमारी आदतों से थक चुकी हैं। लोग कितना पागल बनाते हैं ना, हमारी आदतों से परेशान होने के बावजूद हमें ऐसा दिखाते हैं कि वो हमसे खुश हैं। जब इतना ही परेशान हो गए हमसे तो हमें बता क्यों नहीं देते? आखिर हमें भी तो समझ में आए कि आप हमसे किस बात से परेशान हैं। हम आपसे नहीं, आप हमसे परेशान हैं हुकुम। अच्छा, तो आप हमें इतनी देर से सता रहे थे? हाँ। भला हम आपको कैसे सता सकते, आप तो हमारे पतिदेव हैं। पतिदेव भी कहते हो और आप हमारा इंतजार भी नहीं कर पाते हो, ये कैसा प्यार है? ऐसा ही प्यार होता है पति और पत्नी के बीच का। ये भी कोई टाइम होता है घर आने का? पता है मैं कितना डर गई थी आपके बारे में सोच सोच कर, इतना टाइम कहाँ लगा? दिव्या जी, आज हमारे लेट आने से एक बहन घर पर सुरक्षित पहुंची है। आज मैं लेट नहीं हुआ होता तो शायद वो उस बहन का क्या होता। सॉरी हुकुम, मैंने बेवजह आप पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं दिव्या जी, आपका गुस्सा जायज है। अगर पति घर पर आते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार है पूछने का। आपका इस तरह गुस्सा होना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारी फिक्र करती हैं। ये तो एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की हमेशा फिक्र करे, और आज आपने एक राजपूत का कर्तव्य निभाते हुए एक बहन को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया, इससे बड़ी गर्व की और क्या बात हो सकती है एक पत्नी के लिए। थैंक्स, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, शुक्रिया दिव्या जी। तो एक गया आपका गुड़ा बद्रीनाथ जी। क्या बात है। खैर, आपने किया है तो हम भी कुछ ना कुछ कह देंगे। बद्रीनाथ जी। हाँ जी। हमारी नई पार्टी की घोषणा के बाद विपक्षों की नींद हराम हो चुकी है, और विपक्षों को तो मैं अपने घुटनों पर लाकर छोड़ूंगा। पर ये बद्रीनाथ साला पागल हो गया है, आज अगर मैं समय पर फार्म हाउस नहीं पहुँचता ये साला मरवा ही देता। अरे जयकांत, तूने वहां पहुंच के कोई मान काम नहीं किया, अगर मैं उस दिन बीच में नहीं आता ना तो छोटे ठाकुर तेरे चिरड़ चिरड़ कर देते। मेरे सामने ज्यादा आगे मत दिखा वरना तुम्हारा भांडा फोड़ते मेरा टाइम नहीं लगेगा। बद्रीनाथ शायद जयकांत, जयकांत शांत, तुम्हें पता है तुमने किसकी गरेबान पर हाथ डाला? शंभुनाथ, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा एक सीढ़ी बन के काम किया है। मैंने सारे गांव वालों की जमीनें दबा के अगर तुम्हें नहीं दी होती तो तुम लोग यहां नहीं पहुंचते। अरे बद्रीनाथ, क्या हुआ?
अरे हम तुम्हारे छोटे तो भाई है, हैं? छोटा भाई है इसलिए अभी तक इतना शांत हो। अरे मेरा बद्दू, अरे नाराज हो गया? ओहो तो मेरा भाई नाराज हो गया। भाई साहब हाँ, अब आप बद्रीनाथ जी को खुश करने की कोई तरकीब निकालिए। अरे जयकांत, बद्रीनाथ जी क्यों नाराज नहीं होंगे? अरे इन्होंने कितने करोड़ों रुपए कमा के दिए हमें, हमने क्या दिया इन्हें? कुछ भी तो नहीं। पर आज हम बद्रीनाथ जी को 5 लाख रुपए देकर उनका सम्मान करेंगे। क्या बात है। अरे बद्रीनाथ, 5 लाख नहीं, हमारी सीट पर आप चुनाव भी लड़ोगे। बारे न्यारे हो गए बद्रीनाथ जी के तो। हाँ पर भाई साहब, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब जनता से मिलना भी शुरू कर दीजिए आप। अरे उदयनगर पर खुद हम चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की जनता तो हमारी है, बाकी सीटों पर आप दोनों को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, बाकी उदयनगर की जनता तो हमारे इशारों पर दौड़ ही चली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पर भाई साहब एक बात और है, हमने हमारी 5 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुके हैं, तो आप बद्रीनाथ जी को कौन सी सीट से चुनाव लड़ाएंगे? ये बात है। तो चुनाव कौन लड़ेगा? मैं या बद्रीनाथ? धनिया कर दिया। क्या बात है। लो आपका राजा भी गया। ओए चल निकल इधर से, ओए इधर आ। क्या है इसमें? इसमें सब घर का सामान है। चल इसको नीचे रख। नहीं साहब। नीचे रख इसको। नहीं साहब। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? साहब टोनू सिंह नाम है मेरा। बता क्या नाम है तेरा, नाम क्या है? सागर। सागर नाम क्या है? फर्जी नाम यूज करता है, फर्जी नाम यूज करता है, तो फर्जी नाम यूज करता है। बना 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 माफ कर दो मुझे, गलती हो गई बना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देख तू बारा दिखा ना तो जान से मार दूंगा, चल गल। बना सर आप चिंतित ना होइए, अब ये गुंडों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप जाइए। हुकुम। क्या भानु प्रताप सिंह जी आज बहुत व्यस्त लग रहे हैं? जी पापा हुकुम, हम गांव में पानी का आरओ लगाना चाहते हैं जिससे गांव का पानी साफ रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उदयनगर में जितना हो सके हमें अच्छे काम करने हैं। जी पापा हुकुम। घड़ी कमा हुकुम। आओ बद्रीनाथ जी। जी हुकुम। बिराजो। दादा हुकुम, आज सूर्य प्रताप सिंह जी नजर नहीं आ रहे। आज वो शहर गए हैं किसी के साथ, हमने ही भेजा है उन्हें किसी काम के लिए। अभी तो भानु प्रताप सिंह जी आरओ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उदयनगर में। अरे भाई हम तो आए ही सेवा के लिए हैं। खम्मा गड़ी हुकुम। गणी खम्मा। कोई सूर्य प्रताप सिंह से मिलना चाहते हैं और अपना नाम दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह? बद्रीनाथ जी आप जानते हो दिग्विजय सिंह जी को? हाँ हुकुम बिल्कुल, एक नंबर का बदमाश है, आए दिन गांव में गुंडागर्दी करता फिरता है, प्रशासन ने तो उसे तड़ी पा कर रखा है। तब तो हम उनसे जरूर मिलना चाहेंगे। हाँ हुकुम, लेकिन मैं समझा नहीं। बद्रीनाथ जी हमारे उदयनगर का कोई भाई अगर गलत काम करता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं। जी बिल्कुल। आप दिग्विजय सिंह जी को भीतर बुलाइए। अरे आप ठहरिए एक मिनट, हुकुम जानते नहीं है वो कल ही जेल छूट गया है, आपके आगे तो मैं उसे लेके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो बद्रीनाथ जी? पांडे जी हमारे पास बुला लाएंगे। अरे हुकुम आप जानते नहीं है वो कल ही जेल छूट गया है, पता नहीं कुछ हथियार या कुछ लेके आया वो साथ में। ठीक है बद्रीनाथ जी, आप दिग्विजय सिंह जी को भीतर लाइए। जी हुकुम, जो आ गया जो आ गया, मैं भी आया। उनसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। जो ये बात है हमें बता दीजिए। बद्रीनाथ जी जब बात उनसे करनी है तो उन्हीं को बताएंगे ना, वैसे आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? हाँ वो ठीक है, बने आपसे मिलना नहीं चाहेंगे, आप जा सकते हैं। भाई साहब मेरा मिलना जरूरी है, मुझे कुछ जरूरी काम है उनसे। हाँ वो ठीक है,
पवन अभी अवेलेबल नहीं है, वो आएगा जब टाइम लेकर आपको बुला दिया जाएगा, आप जा सकते हैं। गणी घुमाओ को क्या देख रहा मैं आपको? ज्यादा होशियारी की ना तो आंखें निकाल दूंगा। जिससे वहां का वातावरण अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। क्या हुआ आप उन्हें लेके नहीं आए? हुकुम मैंने बुलाया उसे, लेकिन यूं अंदर आकर नाम लेते भग गया वो हुकुम। कौन था ये? गणी का हुकुम? कुछ नहीं हुकुम, मामूली गुंडा था। अच्छा, अरे तो उधर नगर में आजकल गुंडे पैदा हो गए हैं। अरे हुकुम, मिलना पड़ेगा एक बार उनसे। हुकुम वो आप ही से तो मिलने आया था, मैंने कहा था उसे या उधर नगर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपका नाम लेते भग गया वो हुकुम। ऐसी बात है तो हम खुद जाकर मिलेंगे उनसे। बताइए बद्रीनाथ जी, कैसे याद किया? कुंवर सूर्य प्रताप सिंह जी बता रहा है तुम्हें बुलाया है, और उनके सामने ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत मत करना, वैसे भी वो तुमसे नाराज है। मेरी बात समझा करो, चलिए। हुकुम। जय माता दी। जय माता दी। हमने सुना है कि आप उदयनगर में गुंडागर्दी करते हो। क्या, किसने बोला हुकुम? देखिए आप हमारे भाई समान हैं, इसलिए हम आपको समझाने आए हैं, वरना उदयनगर में गुंडागर्दी करने वालों को हवेली घसीटता हुआ लेकर आ जाता हूँ। लेकिन हुकुम मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए आप अच्छे इंसान होते तो हम आपकी बात जरूर सुनते। अगर आज के बाद में कोई शिकायत आई तो इसका अंजाम बुरा होगा। उदयनगर में जो आप युवाओं को जो गलत शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा देना बंद कर दें। हुकुम आपको गलत फहमी को अपने सर पे चढ़ा रखा है, जब देखो तब बीच में टांग अड़ाता रहता है। हमें शंका होने लगी है कि कहीं वो आपकी खामोशी का। हुकुम आप अपनी आंखें बंद करिए। दिव्या जी क्यों? करिए ना आंखें बंद। आप बताइए क्या करने वाले हैं? अरे आप भी ना, अगर आप आंखें बंद नहीं करोगे तो मैं कैसे बता पाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, हम हमारी आंखें बंद करते हैं। थैंक्स हुकुम। अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। ठीक है। अब अपना लेफ्ट हैंड आगे करिए। लेफ्ट हैंड? हाँ, अब आंखें खोलिए। ये सब क्या है दिव्या जी? आज हमारे शादी की पहली सालगिरह है हुकुम। सॉरी दिव्या जी, कांग्रेचुलेशंस। सेम टू यू। बद्रीनाथ जी। जी हुकुम। आप इतने ढीला ढीला कैसे लग रहे हैं? हमारी हवेली मैनेजमेंट देखने वाला इंसान इतना ढीला ढीला कैसे दिख रहा है? कैसे काम चलेगा, कोई परेशानी है? नहीं हुकुम, ऐसी कोई बात नहीं है। जाइए बद्रीनाथ जी। माँ के मंदिर चले पूजा करने। हाँ चलते हैं दिव्या जी, हम भानु प्रताप को बुलाकर आते हैं। पूजा की थाली तैयार कीजिए, हम चलते हैं। जी हुकुम। दादा हुकुम आप चलिए, हम गाड़ी लगा के आते हैं। जल्दी आइएगा भानु प्रताप। ये जो आ रहे हैं ना, ये ठाकुर साहब के बड़े कुंवर साहब और एक कुंवराणी जी हैं। तुम्हें पता है सामगर फार्म हाउस पर इनका अवैध धंधा चलता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या जी, हमें भी। जी हुकुम।
भानु प्रताप, आज हमारे देवर जी हमारी शादी की सालगिरह पर अपने दादा भाई को बधाई भी नहीं देंगे। ओ, प्रणाम दादा हुकुम, प्रणाम भाभी साहब। जीते रहो भानु प्रताप। बधाई हो दादा हुकुम, बधाई हो भाभी साहब। अब हमारे देवर जी की जल्दी से शादी हो जाए ताकि हमें भी एक सहारा मिल जाए छोटी बहन के रूप में। चलो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, शंभुनाथ जी के साथ उसका हर एक आदमी खुशी रहता है। जी। ये देख लो हमारे बद्रीनाथ, जब देखो मुंह लटका के खड़े रहते हैं। अरे बद्रीनाथ, कुछ चाहिए तो बोल लिया करो। इस तरह से मुंह लटका के खड़े रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि बद्रीनाथ जी का मूड ही खराब हो रहा है। देख शंभुनाथ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मजाक हम कहाँ कर रहे हैं बद्रीनाथ जी? मजाक तो ये कमीनी शराब कर रही है। कौन समझाएगा? आपने हमें खुश कर दिया। आपने क्या एकता की बात कही? जी पापा हुकुम, जिस इंसान ने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़ जैसी महान योद्धाओं का अपना आदर्श माना हो, वो इंसान कैसे अपने कर्तव्य से भटक सकता है? और आप जैसे पिताश्री की छत्र छाया में रहता है। हमें गर्व है आप पर सूर्य प्रताप, आप हमारी शिक्षाएं भूले नहीं। बताएं भानु प्रताप, क्या समस्या है? पापा हुकुम, मेरे दिमाग में काफी गहरी शंका भरी हुई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मैं अपने फार्म हाउस पे जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये काम मैं कल ही करूँ। ठीक है, जब भानु प्रताप के दिमाग में इतनी गहरी शंका भरी है तो एक बार फिर फार्म हाउस का निरीक्षण करेंगे। जी पापा हुकुम, अगर आपको लगता है वहाँ कुछ समस्या है तो आप वहाँ जाकर निरीक्षण करें, अगर वहाँ कुछ समस्या पाई गई तो हम समस्या को जड़ से मिटाएंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे पापा हुकुम और आप जैसे दादा हुकुम मिले। अरे सौभाग्यशाली तो हमें भानु प्रताप, जब मैं आप जैसे भाई मिले जो अपनी समस्या को छुपाता नहीं बताता है। इजाजत दीजिए। खम्मा गणी दादा हुकुम, खम्मा गणी पापा हुकुम। वाह दिव्या जी वाह, आज तो आपने हमारे रूम को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया है। सोचा था शादी की सालगिरह है तो रूम को थोड़ा सजा दूं। कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन? बहुत खूब दिव्या जी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपको इतनी सजावट भी करनी आती है। तारीफ कर रहे हो या? हमारे दिल में तो आपके लिए तारीफ ही तारीफ है, हम आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। और जब आप जैसी संस्कारी बीवी हमें मिली हो तो कोई कमी तो रह नहीं सकती। और हमें भी आप जैसे पतिदेव, हमें तो डर लग रहा है कहीं आप हमें ही ना भूल जाएं। नहीं नहीं दिव्या जी, आपका और हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। हमें भी आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें पूरी जिंदगी भर यूं ही राजपूती प्रेरणा देते रहे ताकि हम हमारे धर्म को निभा सकें। जब से आपकी पत्नी बन के आई हूँ तब से दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, वो है राजपूती संस्कार, जिससे मैं कभी समझौता नहीं कर सकती। प्राणों से भी प्यारा है मुझे राजपूती संस्कार। बेटा भानु प्रताप, एक तो आप हमें कुछ बता नहीं रहे हो, ऊपर से गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो। सॉरी पापा हुकुम, आज सब कुछ सामने आ जाएगा। हम इसलिए जल्दी रवाना हुए कि कहीं वो साला पागल बद्रीनाथ हमारे साथ ना आ जाए। ओफो, आपको कितनी बार कहा है कि बद्रीनाथ पर इतना शक मत किया करो। सॉरी पापा हुकुम, आज सब कुछ प्रूफ हो जाने तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब राजपूतों की तो जिद ही ऐसी होती, एक बार ठान लेते हैं फिर तो बस किसी का भी सुनने का नाम नहीं लेते। हेलो भाई साहब, क्या काम हो गया? क्या बीना लाठी साहब मर गया? क्या बात कर रहा है? हाँ, दोनों बाप बेटे जैसे दरवाजे के पास पहुँचे उन पे किसी ने आके हमला कर दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ,
अच्छा दोनों को मौत की घाट उतार दिया। हाँ, दोनों की डेड बॉडी गाड़ी में डाल के लेके गए। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ भाई साहब, जब तक मैं ना बोलूँ ना माल की सप्लाई बंद कर देना। एक बात बताओ। हाँ। मारने वाला कौन था? जितना बोला है ना उतना काम कर फरक। अब गेम खेलने का मजा आएगा। भगवान शिव के आगे माथा टेकना चाहिए, पर उससे पहले क्या हो गया बद्रीनाथ, इतना क्यों घबरा रहे हो? हुकुम चोरी होने तो हो गया। क्या हो गया बद्रीनाथ? पारा भाव से बोल रहे थे ठाकुर साहब को उठा के कोई। ए, ऐसा नहीं हो सकता। हुकुम मैं नहीं लग रहा था आप के मैं। सोनू टेक कैसेट।